इस वीडियो के अंदर मैं 10 ऐसी भी कारों के बारे में बात करूंगा जो कि सबसे ज़्यादा माइलेज देती है। यानी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एसयूवी कार्स इन इंडिया विद बेस्ट माइलेज। जो 10th पोजीशन पर कार आती है वो है मेरी फेवरेट कार टाटा की हैरियर, जिसके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज देखने को मिल जाएगा। हालांकि टाटा की हैरियर का जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़िया है और हैरियर के अंदर आपको काफ़ी हद तक बढ़िया फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो टाटा हैरियर के अंदर कंपनी ने 2.0 लीटर डीजल इंजन दिया हुआ है। इसके माइलेज की बात करूँ तो टाटा हैरियर के अंदर आपको लगभग 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल जाएगा। और ये जो माइलेज होता है ये माइलेज बहुत बार आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन कंपनी ने इसका माइलेज 17 KMPL का क्लेम किया है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया बात है। जो 9th नंबर की एसयूवी कार आती है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज देखने को मिल जाएगा वो है किया की सेल्टॉस। हालांकि सेल्टॉस के अंदर आपको काफी हद तक बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इंटीरियर में, और इसका एक्सटीरियर का लुक भी काफी हद तक बढ़िया है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो किया सेल्टॉस के अंदर आपको 3 इंजन के ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर मैं माइलेज की बात करूं तो इसका 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगभग 16.8 KMPL का माइलेज दे देता है, और इसका डीजल मॉडल 20.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है। तो इसके डीजल में आपको थोड़ा सा ज्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू इसका पेट्रोल वाला वेरियंट। और इसकी कीमत इंडिया में शुरू होती है 9.95 लाख रुपीज से बेस मॉडल के शोरूम प्राइस। इसका टॉप मॉडल 17.65 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 8 नंबर की एसयूवी कार आती है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है वो है हुंडई की क्रेटा। हालांकि 2021 की क्रेटा भी काफी हद तक बढ़िया है, इसके अंदर फीचर्स भी आपको जबरदस्त देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको सेम सेल्टॉस वाला ही इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं क्रेटा के माइलेज की बात करूं तो इसका जो पेट्रोल वाला वेरिएंट है नेचुरली एस्पिरेटेड वो लगभग 16.9 KMPL का माइलेज दे देता है, और इसका डीजल मॉडल लगभग 21.4 KMPL का माइलेज दे देता है। क्रेटा की कीमत इंडिया में शुरू होती है 10 लाख रुपीज से बेस मॉडल के एक्शन प्राइस। इसका टॉप मॉडल 17.71 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 7th नंबर की एसयूवी कार आती है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है वो है मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा। हालांकि इसको सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, इसके अंदर भी आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो कंपनी ने इसके अंदर 1.5 लीटर K15 पेट्रोल इंजन दिया हुआ है। ब्रेजा का जो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है वो लगभग 17.03 KMPL का माइलेज दे देता है, और इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट 18.76 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है। तो ब्रेजा के अंदर भी आपको अच्छा खासा माइलेज देखने को मिल जाएगा। और विटारा ब्रेजा की कीमत इंडिया में शुरू होती है 7.51 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस। इसका टॉप मॉडल 11.25 लाख रुपीज तक चला जाता है। अगर मैं 6th नंबर कार की बात करूँ तो वो है महिंद्रा की XUV300। हालांकि इसको सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा सेफेस्ट कार मानी जाती है। इसके अंदर भी आपको ठीक ठाक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उतने ज़्यादा अच्छे फीचर्स नहीं मिलेंगे जो कि आपको सोनेट के अंदर, इसके अलावा वेन्यू, नेक्सॉन उनके अंदर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे खासे फीचर्स आपको XUV300 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। महिंद्रा कंपनी ने इसके अंदर 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया हुआ है। इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन का ऑप्शन भी आपको XUV300 के अंदर देखने को मिल जाएगा। XUV300 का पेट्रोल वेरिएंट लगभग 17 KMPL का माइलेज दे देता है, और इसका डीजल वेरिएंट लगभग 20 KMPL का माइलेज दे देता है। तो इसके डीजल मॉडल के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा माइलेज मिलने वाला है एज कम्पेयर टू XUV300 का पेट्रोल वेरिएंट। वही XUV300 की कीमत इंडिया में 7.96 लाख रुपीज से शुरू होती है बेस मॉडल की शोरूम प्राइस, और इसका टॉप मॉडल 13.42 लाख रुपीज तक चला जाता है। जो 5th नंबर की कार आती है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है वो है फोर्ड की इको स्पोर्ट्स। हालांकि फोर्ड की इको स्पोर्ट्स भी काफ़ी हद तक बढ़िया है, और रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि फोर्ड कंपनी इंडिया को छोड़ने वाली है, तो यहाँ पर मतलब बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है फोर्ड कंपनी ने। अगर मैं फोर्ड इको स्पोर्ट की इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो फोर्ड कंपनी ने इको स्पोर्ट्स के अंदर 2 इंजन दिए हुए हैं। इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट पेट्रोल में लगभग 15.9 KMPL का माइलेज दे देता है, और पेट्रोल में जो ऑटोमेटिक वेरिएंट आता है वो लगभग 14.7 KMPL का माइलेज दे देता है। इसका डीजल मॉडल लगभग 20.9 KMPL का माइलेज दे देता है, तो फोर्ड इकोस्पोर्ट के डीजल मॉडल के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगा। अगर मैं 4th नंबर की कार की बात करूं जिसके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है वो है टाटा के नेक्सॉन। हालांकि इसको भी सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स मिले हैं, ये बहुत ज्यादा सेफेस्ट कार है इंडिया की, और इसके अंदर भी आपको बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कार लेनी है, लाइक एक कॉम्पैक्ट एसयूवी कार लेनी है, तो आप टाटा नेक्सॉन के साथ जा सकते हैं। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो टाटा कंपनी ने नेक्सॉन के अंदर 2 इंजन ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेक्सॉन का पेट्रोल मॉडल लगभग 17 से 18 किलोमीटर तक का माइलेज दे देता है, और इसका डीजल वेरिएंट लगभग 22.4 KMPL का माइलेज दे देता है। तो इसके डीजल मॉडल के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगा। अगर मैं कीमत की बात करूं तो टाटा नेक्सॉन की कीमत इंडिया में शुरू होती है 7.19 लाख रुपीज से बेस मॉडल के एक्शन प्राइस। इसका टॉप मॉडल 13.2 लाख रुपीज तक चला जाता है। अगर मैं 3rd नंबर कार की बात करूं जिसके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है वो है हुंडई की वेन्यू।
ये एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। इसके अंदर भी आपको काफ़ी हद तक बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर हुंडई कंपनी ने 3 इंजन ऑप्शंस दिए हुए हैं और सोनेट के अंदर भी आपको लगभग सेम इंजन स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो इसका 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगभग 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है और इसका 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है। इसका डीजल मॉडल 23.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है, तो वेन्यू के डीजल मॉडल के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगा। अगर मैं कीमत की बात करूँ तो हुंडई वेन्यू की कीमत इंडिया में शुरू होती है 6.92 लाख रुपीज़ से। बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस इसका टॉप मॉडल 11.78 लाख रुपीज़ तक चला जाता है। जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है वो है हुंडा की WRV। इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा इंजन स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो पावर आउटपुट है वो आपको इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू बाकी SUV कार्स। इसके अंदर कंपनी ने 1.2 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन दिया हुआ है जो कि लगभग 16.5 KMPL का माइलेज दे देता है। इसके अलावा 1.5 लीटर वाला डीजल मॉडल 23.7 KMPL का माइलेज दे देता है। इसकी कीमत इंडिया में शुरू होती है 8.77 लाख रुपीज़ से बेस मॉडल की एक्चुअल प्राइस, और WRV का टॉप मॉडल 13.88 लाख रुपीज़ तक चला जाता है। जो नंबर वन पोजीशन पर एसयूवी कार आती है जिसके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है वो है किया की सोनेट। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो इसके अंदर भी आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि लगभग 18.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है। इसके अलावा 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि लगभग 18.2 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है, और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन भी आपको मिलेगा जो कि लगभग 24.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है। तो सबसे ज़्यादा माइलेज आपको इन SUVs में किया की सोनेट के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसकी कीमत इंडिया में शुरू होती है 6.79 लाख रुपीज़ से बेस मॉडल की एक्चुअल प्राइस, और सोनेट का टॉप मॉडल 13.10 लाख रुपीज़ तक चला जाता है। तो ये 10 SUV कारें थी जिनके अंदर आपको सबसे ज़्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगा। इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट SUV कार है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ, वियर हेलमेट, वियर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।